press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जोधपुर के रातानाड़ा सब्जी मंडी में रविवार रात पौने 10 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की वजह से सब्जी के 3 दुकानें और 2 केबिन के अलावा काफी सामान जलकर नष्ट हो गया। आग से करीब 8 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। शास्त्री नगर व नागौरी गेट से पहुंची 5 दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग की जानकारी डिस्कॉम को देने के साथ ही क्षेत्र की बिजली बंद करवा दी गई। विद्युत से चिंगारियां निकलने से एक बारगी अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी प्रकार की जन हानि की जानकारी देर रात तक नहीं मिल पाई थी। एफओ सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि रातानाड़ा सब्जी मंडी में रविवार की रात पौने 10 बजे के आसपास आग लगने की सूचना मिली थी, जहां पर एक गाड़ी को आग बुझाने के लिए भेजा गया था, मगर आग की तीव्रता को देखते हुए बाद में शास्त्री नगर फायर स्टेशन प्रभारी हेमराज शर्मा, वरिष्ठ फायरमैन प्रशांत सिंह के अलावा प्रमोद सोनगरा और अभिजीत मुकेश, राजखान, गेनराम और शैतान सिंह को भी अन्य दमकलों के साथ वहाँ भेजा गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। सब्जी मंडी में बनी दुकानों और ठेलों के अलावा केबिनों के ऊपर से हाइपर विद्युत लाइन गुजर रही थी, जिसमें से शॉर्ट सर्किट से गिरी चिंगारी की वजह से यहां आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया था। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।